दो और ये पूरी हो गई 10। बस से आई बस, बस में बेटा लाजा लाजा बजाए बाजा, बाजा बोले ढम ढम ढम, रानी नाचे चम 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 चम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है विमलपंती ब्लॉग में। सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, हम भी सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज सुबह की भागा दौड़ी रहे बहुत, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा काम से, फिर मैं ब्लॉग नहीं अभी शुरू करा 6 बजे। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ, रोज सोचती हूँ 4:30 बजे शुरू कर दूँ ब्लॉग, लेकिन मैं अकेले चक्कर में नहीं करती, सिर्फ लबुक पापा और मैं दोनों ही हम जगे हुए रहते हैं। 4:30 बजे रात को 4:30 बजे रात को घर्राटे लेते रहते ये लोग। तो बस आज है ना, अभी फिलहाल तो जो टिफिन रख रहा है स्कूल के लिए, ये कपड़े उतार लाई, सूख गए, ऊपर धूप इतनी तेज निकल रही है, ये वाले कपड़े अभी उठाए नहीं है, ऊपर के उठा के ले आई, घड़ी करना है तो घड़ी करेंगे। लावण्या और हर्षु स्कूल गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर से। आज बनाएंगे हम गुइयों के पत्ते बनाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर अपन बनाएंगे गुइयों के पत्ते, तो आप लोग जरूर देखिएगा मेरे देसी तरीके से। वैसे अधिकतर वैसे ही बनते हैं, लेकिन सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। यहाँ तो चल रहा है खाना, होमवर्क करा नहीं है इस भैया ने। अरे 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 खाना खा लो, सेव अचार रोटी आलू की सब्जी। गर्मी लग रही है आज तो, मौसम बहुत गर्म है, गर्मी धूप है, हर्षु होमवर्क करने बैठा था लेकिन खाना खाने बैठ गए आज ने होमवर्क नहीं किया, हम लोग खा रहे हैं खाना, और बस खाना खा के फिर आते हैं ब्लॉग में। पूरे कपड़े वपड़े हटाए, पूरे पलंग पेटी साफ करी, गुइयों के पत्ते बनाने वाली थी लेकिन फिर मुझे ये वाला फैला रहा भी दिख रही है, तो टाइम थोड़ा वैसे ही था, तो पहले इनके ये साफ कर दो, बढ़िया एक नंबर चकाचक पलंग पेटी साफ कर दी। इस लड़के को देखो लेना। अरे राम, तो पलंग पेटी साफ हो गई, सब सामान रखा गया, अब बस यहाँ बर्तन साफ करने जा रहे हैं। वैसे चोटी बांधी आज खुद ही, कभी कभी बांध लेती, जरावर लगा है मैंने बना दिया गुलाब जैसे लग रहा है, बेलवेट वाले फूल होते हैं ना वैसे लग रहा है, बेलवेट वाले फूल। बताओ कौन ने बनाए थे? पोयम याद करी, हमें बता ही नहीं, पोयम नहीं थी वो, क्यों करेगी माँ जी, तो बता सबको। जयंती है तो मैम ने पूछ, मतलब परसों आएगी, संडे के दिन तो जाएंगे नहीं स्कूल, मैम ने बोली थी कल कर लाएंगे सैटरडे के दिन, तो मैंने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर स्पीच बोली है, इंग्लिश स्पीच याद करी है, लिखवा दिया नाम, थोड़ी बहुत सुना होगी। हाँ सुना। गुड मॉर्निंग एवरी वन, टूडे आई वुड लाइक टू स्पीच ऑन चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आजाद इज ऑल्सो नोन एज आजाद। चंद्रशेखर आजाद बोर्न ऑन स्मॉल विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आजाद मदर नेम वाज जगरानी देवी एंड फादर नेम वाज पंडित सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद डेथ ऑन 27 फरवरी। थैंक यू। अभी क्योंकि अभी पापा आए थे शाम के टाइम तभी लिखी, और अभी जितने मरती अटक अटक याद हुई उसी, ठीक है अब कर लूंगी फिर अच्छे सुना। अच्छा चलो बढ़िया है, अभी जगह उतनी याद हो गई वही बात है, बिना देखे सही बात है इतने टाइम में। ओ, मैं बना लेती हूँ खाना। डालकर डालना लाई चिड़िया, अब तो दाल पकाएगी, नाचेगी और गाएगी, बंदर भी मजा आएगा, भालू नाच दिखाएगा। मैं सुनाऊं
इसी की बुक में से देखी थी। हाँ इसी की मैम ने सुनाई थी। एक दो दस ऊपर से आई बस बस में बेटा लाला लाला बराबर अब आजा बोले धम धम लानी आजे छम छम लानी नाचे नहीं लानी नहीं बोलना चाहिए नाचे छम छम छम। तो इन लोगों की तो हो रही है पढ़ाई खेल खेल में, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कर लेना चाहता है। नहीं ए ए एक दो और ये पूरी हो गई दस और ये एक दो दस ऊपर से आई बस बस में बेटा लाजा लाजा बजाए बाजा बाजा बोले धम 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 रानी नाचे चम 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 चम। अरे ये लोग तो मस्ती करते रहेंगे, मुझे वैसे ही लेट हो रही है। आज हम हमारी मम्मी ताले की चाबी घूम गई सामने टांगी, मम्मी को देख नहीं रही, मेरे घर में ढूंढ ली। अरे सुबह से उलंग में सामने टांगी देखी नहीं, बिल्कुल मशीन में सुबह से उलंग। मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं और मम्मी क्या बना रही है जी? बना रही है अभी तो गुनगुना तो कर रही हूं, पेस्ट बना रही हूं। बेसन मसाला मिला लिया है इसमें, इसमें मैंने बेसन में मसाला मिला लिया है और उसको अभी घोल के रख रही हूँ। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं तो इतनी बड़ी जगह तो है नहीं, इनमें से आधे आधे करेंगे फिर छोटे छोटे रोल बनाएंगे। तो फिलहाल अभी जब बैटर तैयार कर लेती हूँ, मुझे घोल के रख लेती हूँ बेसन। मैं घोलूँ? घुल गया थोड़ा ही और बचा है बस। भैया ये मैंने तीन चार परत में तीन पत्ते कर दिए, एक और करूँगी फिर इसको। अच्छा ये पूरा एक ही होगा मतलब? हाँ फिर इसे फोल्ड कर देंगे। चलो करो देखते हैं। चार दो पत्तों का यही है, इसको लगा देंगे। पतला पतला कर रही मैं, ज्यादा मोटा नहीं कर रही हूँ। दो पत्तों का एक, दो पत्तों को चार पीस कर लिए मैंने बीच बीच में से। देखो ऐसे ऐसे कर दिए बीच बीच में से, इसके मैंने एक पत्ते में से दो पीस कर लिए और फिर इन पत्तों को बिछा के ये कर दिया। हमारे पास बड़े बर्तन ही, ये स्लेब को साफ करके इसी में कर दिए बढ़िया, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब ये ऐसे रोल कर देंगे, कटेगा ना? नहीं अभी तो भाप में रखेंगे, तो पहले तो मैं इनको रोल कर करके रख दे रही हूँ। अभी मैं चार पत्तों का, अब दो पत्तों का करूंगी, लेकिन जब बहुत मोटा होगा यार। ये रोल तैयार, चार रोल हो गए, बहुत मोटे मोटे हैं। मम्मी अब ये तवेली में इनको उबालेंगी। मम्मी उबालते हैं ना? हाँ भपाएंगे भाप में। हाँ जैसे मोमोज स्टीम होते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। ये तो तैयार कर दिए हैं, अब मैं इसमें रख दूंगी। देखो कैसे रखा पाते हैं, नहीं रखा पाते रखा तो जाएंगे थोड़ी देर, फिर पानी गर्म हो जाने फिर रखते हैं। ये स्टीम हो गए मतलब हो रहे हैं, रखे हैं गैस पे, होने वाले हैं, तो अब देखते हैं कब तक होते हैं। गुइयों के पत्तों को स्टीम कर दिया मतलब अरवी के पत्तों को, और फिर एक तरीके से बना दी बिना तली सब्जी और एक को तल दिए तो भजिए टाइप की होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये सब्जी पूड़ी जिसको खाना हो, ये भजिए गुइयों के पत्ते की, और ये रोटियाँ एक नंबर बढ़िया मजेदार। ये आप सब्जी कैसी लगी? ये सब्जी और भजिए भजिए टाइप की जैसे सब्जी भी बना सकते हैं, और एक तल के सब्जी बनाऊंगी, अभी तल के भजिए टाइप के बनाए। अगर आपको मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ या तले हुए गुइयों के पत्ते की सब्जी कैसे बनाती हूँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं वो सब्जी की रेसिपी भी बताऊँगी और ये वाली रेसिपी भी बताऊँगी सिंपल वाली। तो बस आज का अपना ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।